जब हमने स्टार्टिंग में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो एज अ गर्ल्स वी हैव फेस फैमिली इशूज, पर हमारे फादर की इतनी सपोर्ट थी कि मीन्स सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे जो अगेंस्ट थे कि गर्ल्स को बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए, वो सब जो है हमारे अब्बू ने इतना सपोर्ट किया। उसके बाद जो हमने फाइट स्टार्ट किए और उसके बाद उन्होंने देखा कि हम में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी फिटनेस एंड एवरीथिंग को देखकर वो उनका भी सपोर्ट हमें आ गया। शुरू शुरू में मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े अब्बू और भाइयों को इस चीज़ पर मनाने के लिए। फिर जब अब्बू और भाई मान गए तो अम्मी इस चीज़ के अगेंस्ट थी, फिर अम्मी भी जब मान गई तो ख़ानदान में कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि लड़की बॉक्सिंग मतलब कैसे, क्यों लड़की को ये इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मीन्स काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े मुझे। हमें यकीन है कि जो कराची की रौनकें जिस तरह से बहाल हो गई है, जिस तरह से लियारी की रौनकें बहाल हो गई है, और इसी तरह से हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि दोबारा लियारी में कराची में बॉक्सिंग का दोबारा रिवाइवल होगा, बड़े अच्छे बॉक्सर पैदा होंगे। मेहनत बहुत की है इधर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इक्विपमेंट बॉक्सिंग का जो है वो पूरा नहीं होता है, तो उसके बावजूद कड़ी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। द विजन इज वेरी क्लियर, आमिर खान हैज डन अ ऑसम जॉब, और जो लोगों ने इतना जोश और बलबला शो किया है, क्या मजा है उसका। हमारे प्रोग्राम का नाम है रोड टू द रिंग। हर बच्चा जो कि रोड पे बॉक्सिंग करता है हम उसको रिंग में लेके आएंगे और उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बना देंगे। मेरिट के हिसाब से लड़के जो ट्रायल दे, हर एक एक टैलेंट छुपा हुआ है पाकिस्तान में, हर एक लड़का यहाँ पे आके ट्रायल दे और आगे जाए, उसके लिए बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और आगे जाके वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भी बन सकता है। अगर इसी तरह के हमें मौके मिलते जाएंगे तो हम दिल से मेहनत भी करेंगे और उसके साथ साथ मुकाबलों में भी मज़ा आ रहा है, क्राउड आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले नस्ल और हमारे जो जूनियर्स और हमारे जितने भी पुराने बॉक्सर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म से अच्छा फ्यूचर नज़र आएगा। बॉक्सिंग के बाद मुझ में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आया है लोगों को फेस करने का। उससे पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी और अब मैं लोगों को फेस कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड बॉक्सिंग से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि सिर्फ स्टडीज़ में एवरीथिंग में मीन्स हमारी जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं उसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मीन्स गर्ल्स आल्सो कैन डू बॉक्सिंग एंड गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। सो हियर वी आर इन लियारी, क्या मजा आ रहा है, आमिर खान हैज डन अ ऑसम जॉब, सुपर बॉक्सिंग लीग इज देयर टू स्टे, सो लेट्स सी, वी विल बी सीइंग यू सून।